Hi, good evening all of you. Let's start with today's class, right? Let's discuss most important current affairs. Let's look at the first question, right? Just a moment. I want to see your chats as well. Good evening all of you. Good evening. These are top 50 questions. बट वी ओनली डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. कुछ क्वेश्चन हम लोग स्किप करते जाएंगे जो मुझे लगेंगे रेलिवेंट नहीं है. राइट, 23 और 24 जुलाई है. जस्ट अ मोमेंट. यस, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. जस्ट अ मोमेंट. गुड इवनिंग जगमोहन, सान्या, अरविंद यादव, आशी, माही, हर्ष. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, Who was conferred with Netaji Award 2022? नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, named after Netaji सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये अवार्ड है. By Netaji रिसर्च ब्यूरो ने कॉन्फर किया है. किसको मिला है ये नेताजी अवार्ड? अगर हम नेताजी की बात करें, नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला जाता है. द पर्सन बिहाइंड आजाद हिंद गवर्नमेंट. क्या मैं सही बोल रही हूँ? 23rd जनवरी पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे होता है. क्या मैं तुम लोग को सही बता रही हूँ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है. और यस, 23rd जनवरी उनका बर्थडे होता है, पराक्रम दिवस. एंड आज़ाद हिंद फौज जिसे बोलते हैं, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के पीछे जो है यही नेताजी सुभाष चंद्र जी थे. ऐसे ही आपदा पुरस्कार मिलता है, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक अवार्ड है आपदा पुरस्कार. नेताजी आपदा पुरस्कार करके अवार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर मिलता है. और ये दिया 23rd ऑफ जनवरी को ही जाता है, जो कि बर्थडे होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का. ठीक है, वेरी नाइस. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? किसको मिला है नेताजी अवार्ड बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो? शिंजो एबे को मिला है. ठीक है, वेरी सैड दैट शिंजो एबे जो कि फॉर्मर PM रह चुके हैं, फॉर्मर PM रह चुके हैं जापान के. ही हैज़ एक्सपायर्ड रिसेंटली, ही वॉज शॉट डेड. ठीक है, उनकी अभी करंटली डेथ हुई है. राइट, वेरी नाइस. शिंजो एबे बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच मूवी फ्रॉम इंडिया हैज़ वन बेस्ट फिल्म अवार्ड? देखो ये वेरी रेलिवेंट नहीं है और इसमें कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. 20 ढाका, ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. ठीक है, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था जनवरी में. तो एशियन फिल्म फिल्म कॉम्पिटिशन किसको मिला है? हुजांगल को मिला है. बस एक रीड है, ठीक है, आर लिख देती हूँ, आर इज फॉर रीड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का. जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण होते हैं, ऐसे ही असम का असम वैभव करके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. किसको मिला था जनवरी में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वांट टू टेल यू. रतन टाटा जी को मिला है असम वैभव. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रतन टाटा करेक्ट आंसर है. देन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हैज़ बीन वन बाय पीवी सिंधु. पीवी सिंधु इज एट द 7th पोजीशन. जब हम रिचेस्ट मोस्ट आई मीन हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की बात करते हैं, हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, पीवी सिंधु करेक्ट आंसर है. सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट पीवी सिंधु को मिला है. राइट, अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. पहले हमारे कौन है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? ज्योतिरादित्य सिंधिया. ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा है भाई तुमने वायलेट करे रनवे मेंटेनेंस को और तुमने निगलेक्ट किया है. तो किसको मिला है इसके लिए अवार्ड? इसको मिला है सुभाष चंद्र बोस. इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको जो है पैसे भरने पड़े बिकॉज उन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट किया है. अगेन अ रीड क्वेश्चन, बस रीड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. राइट, आपदा पुरस्कार किसको मिला है? विनोद शर्मा को मिला है. अगेन अ रीड है. आपदा पुरस्कार प्रबंधन पुरस्कार डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड में दिया जाता है, नेम्ड आफ्टर सुभाष चंद्र बोस जिनका बर्थडे 23rd जनवरी को होता है. एंड 23rd जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस. राइट, वेरी गुड. Then, which of the following actresses has been on for conferred with International Association of Working Women Award? International Association of Working Women Award किसको मिला है? Very, very, very important question.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुष्मिता सेन को मिला है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, हैज बीन वन बाय सुष्मिता सेन. सुष्मिता सेन वन 1994 में शी वन वर्ल्ड मिस यूनिवर्स. मिस यूनिवर्स जीता है. और करंटली इस साल किसे जीता है मिस यूनिवर्स? हरनाज संधु ने दिसंबर में. ठीक है. देन पद्म भूषण अवार्डी एन आर रंगस्वामी हैज पास्ड अवे. वो एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे. अब तुमसे कोई पूछे एन रंगस्वामी कौन है, एन रंगास्वामी अगर मैं पूछूं कौन है, एन रंगास्वामी इज सीएम ऑफ पुडुचेरी. और किसी सीएम ऑफ पुडुचेरी होते हैं, सीएम ऑफ दिल्ली होते हैं, और किसी यूटी के सीएम नहीं होते, सबके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं. इनके सीएम भी हैं, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी हैं. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Only Indian films to get nominated at the 94th Academy Awards. कौन कौन सी फिल्म नॉमिनेट करी गई थी 94th Academy Awards में? Academy Awards को Oscars बोला जाता है. Oscars बोला जाता है. Only Indian film to get nominated. जय भीम भी हुई थी एंड मराकर भी हुई थी. तो आंसर बोथ वन एंड टू होना चाहिए. जय भीम भी हुई थी एंड मराकर भी हुई थी. Only Indian film जो nominate हुई थी Oscars Academy Awards. ठीक है, मतलब ये वाइस वर्सा तुम यूज कर सकते हो. देन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया है कितनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का. भाई वो कह रहे 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाओ, गो हेड एंड मेक न्यू डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये कहाँ पर आ रही है, क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पर आ रही है 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? आंध्र प्रदेश में आ रही है. आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, वाई वी जगन मोहन रेड्डी. एंड आंध्र प्रदेश की पहले 3 कैपिटल थी, अब फिलहाल सिर्फ एक ही कैपिटल है, सिर्फ एक कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, विच इज अमरावती. ठीक है, याद रखना. देन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट ने डेवलप करी RT-PCR किट्स ओमिक्रॉन वेरियंट को फाइंड आउट करने के लिए. उस किट का नाम ओम है. ठीक है, याद रखना. काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राजेश है इनके सेक्रेटरी जनरल, शायद से राजेश गोखले करके नाम है उनका, एक बार अपने एंड पर जरूर चेक करो. ठीक है, ओम करेक्ट आंसर है. देन वी कैन लीव दिस क्वेश्चन, INS के ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं. देन G20 शर्पा, शर्पा मींस रिप्रेजेंटेटिव जो बोलते हैं, पहले पीयूष गोयल थे, अब जो है अब करंटली कौन बन गया, अमिताभ कांत बन गए हैं, और पीयूष गोयल अब नहीं रहेंगे द शर्पा फॉर G20. G20 को 2023 में होस्ट करने वाला है इंडिया, 2022 में इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, इंडोनेशिया. ठीक है, कर रहा है, नेक्स्ट ईयर इंडिया करेगा. देन इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री, भाई 30 साल हो गए, 30th एनिवर्सरी बना रहे हैं डिप्लोमेटिक टाइज. टाइज मीन्स हम लोग एक दूसरे के साथ मैनेज करेंगे चीज़ों को, डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज. सो विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ लोगो, कौन सी कंट्री ने एक लोगो लॉन्च किया टू मार्क 30th एनिवर्सरी? इसराइल ने लॉन्च किया है. और तुम्हें पता होगा पेगासस स्पाईवेयर आया था, पेगासस स्पाईवेयर भी कहते हैं इंडिया ने इसराइल से लिया था. पेगासस स्पाईवेयर जो कि तुम्हारे फ़ोन में खुद को इंस्टॉल कर लेता है, सारी इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर देता है. सो वो भी इसराइल से आ रखा था, पेगासस स्पाईवेयर. एंड इसराइल के साथ इंडिया के 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, राइट. फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने बहुत बार कर चुके हैं, आयशा मलिक जो है फर्स्ट वुमेन जज बन गई है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की. ठीक है, याद रखना. नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने ओलंपिक्स जीता था, ही वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स एंड ओनली बिकेम द फर्स्ट एवर एथलीट, पहले एथलीट बन गए जिनको गोल्ड मेडल मिला है आज तक. उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला था, याद रखना, परम विशिष्ट सेवा मेडल. ठीक है, इट्स मोर लाइक अ मैराथन. जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, राइट. मैं तुम लोग के आंसर्स देख तो रही हूँ, बट इट्स बेटर जो हम लोग जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो. ठीक है, डेफिनेटली कल तुम्हारा एग्जाम है, मेरी ब्लेसिंग्स तुम लोग के साथ है, डेफिनेटली साथ है. पुनीत, आई अंडरस्टैंड, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू. परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, मिला है. फिर पद्म विभूषण किसको नहीं मिला? बिपिन रावत को मिला है, कल्याण सिंह को मिला है, पॉस्ट्यूमस है, गुलाम नबी आज़ाद को नहीं मिला है, राधा कृष्ण खेमका को भी मिला है. और दो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सो इट्स जस्ट अ रीड अगेन, तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं करना है. अगर हम पद्म भूषण पद्मश्री सुनो, 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, एंड 107 लोगों को 714
और ठीक है 128 टोटल लोगों को 128 पीपल हैव गॉट पद्मा अवार्ड्स. ठीक है, पद्मा अवार्ड्स 128 पीपल को मिले हैं. पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है, पद्म विभूषण 4 को मिला है, पद्म भूषण 17 को मिला है, पद्म श्री 107 लोगों को मिला है. ठीक है, 128 करेक्ट आंसर हो गया. हाउ मेनी पर्सन हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स? 128 पीपल. ठीक है, फिर बुद्धाबेद भट्टाचार्य रिजेक्टेड द पद्म भूषण अवार्ड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. ये कहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बुद्धाबेद भट्टाचार्य. उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं पद्म भूषण अवार्ड नहीं लूंगा. ठीक है, तो ये फॉर्मर रह चुके हैं सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल. अब महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट फॉर द फोर्थ ईयर, टाइटल स्पॉन्सर कौन करने वाला है? टाटा मोटर्स कर रहा है. एक बात बता दूं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आईपीएल को किसने स्पॉन्सर किया था? आईपीएल के मेन स्पॉन्सर कौन था? टाटा. ठीक है, याद रखना. देन चरणजीत सिंह पास्ड अवे. कौन से गेम्स से रिलेटेड थे? हॉकी प्लेयर थे चरणजीत सिंह, राइट, हॉकी प्लेयर. देन मराठी ऑथर अनिल अवाचत पास्ड अवे. ही वॉज फाउंडर डायरेक्टर ऑफ वॉट? किसके थे? मराठी ऑथर हैं अनिल अवाचत. तो ये कहाँ के रिहैबिलिटेशन सेंटर? मुख तंगन रिहैबिलिटेशन सेंटर इन्होंने फाउंड किया था. ठीक है, अगेन रीड, ज़्यादा रेलिवेंट हमारे लिए नहीं है. ठीक है, इन बैडमिंटन फर्स्ट एडिशन हुआ है. अब उड़ीसा ओपन हमें नहीं करना है, रादर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन करो, यूएसए ओपन करो. ठीक है, ये छोड़ दो. इंडिया हैज़ अनाउंस 2 लाख $2 देंगे हम रिलीफ के फॉर्म में इन वेक ऑफ सुनामी. सुनामी आई है तो हम $2 लाख $2 दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं? टोंगा को दे रहे हैं. टोंगा में बहुत ही बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, कल ही मैं डिस्कस करी थी. वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है टोंगा में, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और यहाँ पर ही सुनामी आई थी. ठीक है, देन स्कोप फॉर कोऑपरेशन, भाई की बहुत स्कोप है हेल्थ रिसर्च में, काफ़ी सारे रिसर्च करो. फ्रांस के साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यू शुड नो इट. ठीक है, एंड फ्रेंच पीएम कौन है? फ्रेंच के प्रेसिडेंट कौन है? इसके पीएम कौन है? आप लोग को पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया, फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुआ था वर्चुअल फॉर्मेट में, तो किसने होस्ट किया है? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने. एक इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुआ था. सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑल दो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान. ठीक है, ये सब कंट्रीज आती है इसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, राइट. देन नेम ऑफ द स्पेस टेलीस्कोप जिसने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन रीच कर लिया, मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम अर्थ. तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन रीच कर लिया और अर्थ से बहुत दूर है. ठीक है, फिर मिलेना साल्विनी ऑफ फ्रांस पास्ड अवे. कौन थी मिलेना साल्विनी? दैट इज़ द क्वेश्चन. फ्रांस की थी, एक कथकली डांसर थी. याद रखना, कथकली कहाँ का डांस है मुझे बताओ? कथकली डांस फॉर्म कहाँ का है? एनी आंसर्स? केरला का है, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. देन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी? इंडियन आर्मी की भी हुई थी उसमें, एयरफोर्स की भी हुई थी, नेवी की भी हुई थी. क्या नाम था उसका? पश्चिम लहर. तो हमारे इंडियन के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ने करी थी, मीन्स इंडियन आर्मी भी थी, एयरफोर्स भी थी, नेवी भी थी. तो क्या नाम है? पश्चिम लहर उसका नाम है. ठीक है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को हम क्या बोल रहे हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव. अमृत महोत्सव. ठीक है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है. रस्किन बॉन्ड मोस्टली बच्चों की बुक्स भी लिखते हैं. ठीक है, बुक्स ऑफ चिल्ड्रन ही राइट, एंड इन्होंने ही लिखे सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन ऑथर है. Then which of the following states is going to establish a military school? Military school named after Sangoli Rayanna at the cost of 180 crore rupees. Read again. इतना important नहीं है. ये very important question है, very important. अब ब्राह्मोस मिसाइल जो कि एक अग्रीमेंट है DRDO, इंडिया के DRDO प्लस रशिया का अग्रीमेंट होता है ब्राह्मोस मिसाइल. ब्राह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है. ठीक है, तो फिलीपींस ने कहा है मुझे भाई ऑर्डर देना है, मुझे ब्राह्मोस बना के दो. 375 crore rupees का
डील हुआ है, मतलब 375 मिलियन डॉलर्स का डील हुआ है, ठीक है, नॉट इवन करोड़, इट्स मिलियन डॉलर डील, मिलियन डॉलर डील है ये। तो किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया और फिलीपींस के बीच में हुआ है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स अंडमान निकोबार कमांड में आई है, कहाँ पर आई है? ALS ध्रुव मार्क 3 है, रीड, नॉट इम्पॉर्टेंट। देन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, वेटरन लीडर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, लाला लाजपत राय काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, 28 जनवरी को इनका यू नो बर्थ एनिवर्सरी होती है, एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू गो ग्रो बियॉन्ड एन एयरलाइन विच कंट्रीज एयरलाइन हैज चेंज इट्स नेम, वो अपना नाम बदल के एयर फ्रॉम एयर एशिया ग्रुप BHT टू कैपिटल ABHT कर दिया है, अगेन रीड, ये किसने किया है? मलेशिया ने किया है, ठीक है। देन एक पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर्स लगी हुई है इंडियंस वुमेन अनसंग मीन्स जिनको अभी ट्रिब्यूट नहीं किया गया, अनकॉल्ड हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, वुमेन के ऊपर है ये बुक, किसने लिखी है, किसने रिलीज करी है? मीनाक्षी लेखी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या मैं सही बोल रही हूँ? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज अनकॉल्ड मीन्स इनको अभी हमने ट्रिब्यूट नहीं दिया है, हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल किसने लिखी है? मीनाक्षी लेखी ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। देन फर्स्ट ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज आया है, इट हैज कम अप इन मिजोरम में आया है, रीड क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। चेयर कौन कर रहे हैं? री इलेक्ट हुए हैं चेयर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। और लॉसेन वेरी इंपॉर्टेंट, लॉसेन स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर हैं, लॉसेन स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के हेडक्वार्टर हैं, एंड और थॉमस बैश इसके प्रेसिडेंट हैं, क्रिस्टोफर डी कैपर इसके डायरेक्टर जनरल हैं, थॉमस बैश इज प्रेसिडेंट, क्रिस्टोफी डी कैपर इज डायरेक्टर जनरल, ठीक है। और चेयर कौन कर रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी को, कौन कर रहा है चेयर? करेक्ट आंसर इज रीइलेक्ट हुए हैं एमा टेहरो, करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ आया। न्यू CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जस्ट रीड अगेन, कौन बने हैं न्यू CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस? अभिषेक सिंह बने हैं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर 10 और 5 साल के लिए कौन बन गए हैं? गीता मिथीना बन गई हैं। बट हमें ये जानना जरूरी है कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड वो कौन है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन है, हमें ये जानना जरूरी है। एक बार, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के जॉइंट सेक्रेटरी, आई मीन जॉइंट सेक्रेटरी तो गीता मिथीना है, बट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ये है नरेंद्र सिंह तोमर, राइट। देन विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन बन गए हैं? चेतन घाटे बन गए हैं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कृषि नेटवर्क, इसको भी छोड़ सकते हो, पंकज त्रिपाठी है। आप पूछ सकते हैं मनिका बत्रा कौन है? टेबल टेनिस प्लेयर है, याद रखना। मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद विच गेम, कौन से गेम से एसोसिएटेड है? तो एक टेबल टेनिस प्लेयर है, उनको एडिडास का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉट ऑन बोर्ड इंडिया टॉप टेबल, तो एडिडास ने इनको प्रेजेंट किया है मनिका बत्रा को। एडिडास के काफी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, सिर्फ यही नहीं है, ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट हैज अनाउंस अपॉइंटमेंट ऑफ IPS KV राजेंद्र रेड्डी एज डायरेक्ट न्यू DG बन गए हैं पुलिस के, कौन सी स्टेट ने? अभी स्टेट स्पेसिफिक DGs नहीं पूछेंगे तो हम इसे छोड़ सकते हैं। गुड़गांव गुरुग्राम हरियाणा में आता है। फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर कौन बन गई हैं? देख सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी बहुत स्पेसिफिक है, काला रामचंद्रन, इतने स्पेसिफिक क्वेश्चन लेस एक्सपेक्टेड रहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who among the following has been appointed as the CEO and Managing Director of Air India?
इल्कर आईसी हुए थे उसके बाद चेंज हो गए हैं, कैंप बेल विल्सन हो गए, नाउ इज कैंप बेल विल्सन, ओनली इन मे हुआ है ये कैंप बेल विल्सन, पहले इल्कर आईसी थे फिर कैंप बेल विल्सन हो गए सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन कौन बने हैं, विनीत जोशी बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विनीत जोशी इज द राइट आंसर। देन प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इज फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, पहले चांसलर एंजेला मर्कल थी, अब ओलिफ कॉल्स है, चांसलर और प्रेसिडेंट में कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट इज फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ओलिफ कॉल्स इज चांसलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन एन चंद्रशेखर है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो एयर इंडिया है ये भी टाटा ने ही एक्वायर कर ली है, ये क्वेश्चन हमें नहीं करना, चीफ जस्टिस हमें जगह जगह के नहीं देखने, राइट। विद दिस वी कम टू एन एंड, आई हैव डिस्कस्ड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या रेलिवेंट है मैंने वो क्वेश्चंस डिस्कस करे, बाकी सब क्वेश्चंस जो है जस्ट अ रीड क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस वेल, समझ आ गया होगा, आई डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन इधर उधर की बातें, एज इन कि ये वाले क्वेश्चंस करो जो कि रेलिवेंट नहीं है, मैंने सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चंस आप लोग को करा दिए, राइट, ऑल एंड ये क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस थे, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, आई प्रे टू गॉड दैट ऑल माय डिजर्विंग स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी पढ़ाई करी है, इतना अपनी इतनी अच्छी जगह एनर्जी चैनलाइज करी है, मे ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स गेट सक्सेस, आई विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट, ऑल माई बेस्ट विशेज आर विद यू, ऑल द बेस्ट, फेज वन स्टूडेंट्स का एग्जाम है, ठीक है, सब लोग अच्छे से करके आना, टेक अ नाइस स्लीप, उन्हीं बच्चों का एग्जाम क्लियर होता है जो रात को अच्छी स्लीप लेते हैं, फ्रेश माइंड से एग्जाम देते हैं, अगर तुमने स्लीप नहीं ली होगी वहाँ एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा, तुम्हें नींद आएगी, एकदम से माइंड पजल्ड होगा, ठीक है, इसलिए रिलैक्स रहो, जितनी प्रेपरेशन हो गई है हो गई है, ठीक है, जो तुम्हें आता है ना तुम वो भी भूल जाओगे अगर तुम पैनिक करोगे कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ। मैं तो क्या करती थी, मैं तो अपनी बुक्स बंद कर देती थी जब मेरा क्लैट होता था, ए लेट होता था, इन सब एग्जाम में, बस बच्चे सुबह सुबह इसे रिवाइज करते हैं, तो मैं तो इसे चीज़ को ठीक नहीं मानती हूँ, दिस विल ओनली क्रिएट पैनिक, ये तुम्हें सिर्फ एंक्शस करेगा, रिलैक्स करो, बस ध्यान दो, मतलब एज इन रिलैक्स करके अपने आप को एम्प्टी माइंड कर दो बिल्कुल, और एग्जाम में क्वेश्चन तुम लोग अच्छे ही करके आओगे, तुम लोग को सब आता है, तुम सिर्फ कंफ्यूज होते हो, और तुम लोग को जेन्युइनली सब कुछ आता है, एंड यू विल क्रैक इट, आई नो इट फॉर श्योर, राइट। ऑल द वेरी 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 बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू ऑल सून, यू कैन डाउनलोड अर ऐप, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, फ्री कंटेंट आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो जिनका एग्जाम अभी नहीं है, पेड बैचेस भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, फ्री कंटेंट अवेलेबल है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे, गो कूल विद गोकुल साबर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, लार्जेस्ट चैनल है फॉर सीयूईटी एस्पिरेंट्स, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही होगी, कब रिजल्ट आ रहा है, कब आंसर की आ रही है, क्या दिक्कत है आंसर की में, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। 6397662212 पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी इंक्वायरी, एनी सजेशन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू टेल, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय, एंड